स्वागत है आप लोग का इस स्टडी पॉइंट कोचिंग के चैनल पे। मैं दीपक कुमार आप लोग के बीच फिर से प्रोनाउन का पार्ट टू लेकर आया हूँ, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं। अब इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं बाबू, कहता है इसमें देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं बाबू? 10 भेद होते हैं। पहला देखते हैं बाबू, पहला कहता है बाबू पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का होता है बाबू व्यक्ति वाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा कहता है बाबू पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का अर्थ क्या होता है बाबू? अधिकार वाचक सर्वनाम, अधिकार वाचक सर्वनाम, ठीक। फिर तीसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक। चौथा देखते हैं बाबू, कहता है इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी बलदायक सर्वनाम, बलदायक सर्वनाम, ठीक। पांचवा देखते हैं बाबू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पांचवा क्या होगा बाबू? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। फिर इसके आगे होता है बाबू रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। विभाग सूचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद सेवन नंबर पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंफेक्टिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन और निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत वाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव, इनडेफिनिट, डेमोनस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव निजवाचक
सर्व नाम, इसके बाद लास्ट होगा बाबू आपका हो गया आइए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं बाबू। ठीक तो देखिए बाबू किसी किसी किताब में लिखा जाता है बाबू 8, 7, 9, 10 ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 10 टाइप। ठीक है, देर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। ठीक, पहला पर्सनल व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहने का अर्थ है कि आपको कोई इंडिकेटिंग जैसे मैं, वह, आप लोग, हम लोग, ये सब किस में आ जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कहता है बाबू पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार वाचक सर्वनाम, जैसे आप लोग कहते हैं ना यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम, आप उस पर अधिकार बता रहे हैं कि यह बोर्ड मेरा है, यह बोर्ड किसका है? तो अगर आप किसी पे अधिकार बताएं तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा बाबू? पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार वाचक। तीसरा कहता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर आप किसी से प्रश्न पूछते हैं जैसे हु, हुम, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब पूछता है ना, तो ये सब आप अगर किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बढ़ते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम, आप किसी काम पे ज्यादा जोर देते हैं, किसी काम पे ज्यादा जोर देते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन, उसमें जो शब्द प्रयोग होगा नाउन के बदले में वह इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। फिर आते हैं बाबू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक यानी एक दूसरे से संबंधी, ये भी बताएगा आपको, रिलेटिव यानी संबंधी बताएगा। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ये विभाग सूचक यानी ये बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। एवरी जैसे हम दिस पेन डिस्ट्रीब्यूट एवरीबॉडी, यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टॉफी हम रखे हैं, बहुत सारे टॉफी रखे हैं, और उस टॉफी को हम क्या कर रहे हैं कि इस टॉफी को इन बच्चों में क्या करो, बांट, क्या करो, बांट दो, तो वो सब किस में आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। फिर कहता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक शब्द, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि ये कहाँ पे प्रयोग होंगे। फिर कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, इसमें दिस डैट दी दोज आ जाएंगे, और लास्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़े टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एक पार्ट के बारे में पूरे डिटेल से डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के सहित हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।